जन्नत जूस स्टफ, निया निकाह पैलेस, अस्करी मार्केट, चौराहा जी डीबी नगर, करेली, प्रयागराज। 100% इंडियन फ्रूट, 0% कॉन्सेंट्रेट। एडमिटेड टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा मनीष कौर। संगम नगरी के मोतीलाल नेहरू मंडलीय कॉलेज में मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत की गई है। दावा किया जा रहा है कि यह प्रदेश का पहला मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र है। केंद्र में मोबाइल गेम, इंटरनेट, टीवी और सोशल मीडिया के लत बच्चों और बड़ों का इलाज किया जा रहा है। केंद्र से जुड़े डॉक्टर लोगों ने मोबाइल की गलत आदतों के प्रति जागरूक करने के लिए उनका मानसिक व चिकित्सकीय इलाज कर रहे हैं। केंद्र के शुरू होने से पहले ही 15 मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट थे। केंद्र का संचालन कर रहे डॉक्टर राकेश पासवान ने बताया कि उनकी टीम इस पर काफी समय से काम कर रही थी और प्रदेश के इस पहले केंद्र को शुरू कर दिया गया है। पहले दिन केंद्र में पहुंचे मरीजों में एक विदेशी छात्रा भी शामिल थी। यह छात्रा आईफोन की लगातार मांग कर रही थी और ना मिलने पर उसने घर में भूख हड़ताल तक रख दी थी। इलाज के लिए आया इंटरमीडिएट का एक छात्र तो रात भर सोता ही नहीं था। वह 12 से 13 घंटे मोबाइल पर ही जीता रहा था, जबकि एक अन्य छात्र मोबाइल पर पॉर्न देखने का आदि था। डॉक्टरों की टीम ने ऐसे स्टूडेंट की काउंसलिंग के साथ ही उन्हें दवाएं भी दी हैं। केंद्र से जुड़ी साइको थेरेपिस्ट डॉक्टर ईशान्या राज बताती हैं कि केंद्र पर आने वाले बच्चे ही नहीं, बड़ों में भी मोबाइल की खराब लत देखी जा रही है, जिससे उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। फिलहाल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को केंद्र में मरीजों की काउंसलिंग और उनका उपचार किया जा रहा है। अन्य दिनों में टीम दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों को मोबाइल की लत से सावधान कर रही है। केंद्र से जुड़े डॉक्टर बताते हैं कि कुछ दिनों पहले अस्पताल में पबजी की एक बच्ची को लाया गया था, जिसने आत्महत्या तक का प्रयास किया था और उसके शरीर में लकवे के लक्षण दिखने लगे थे। हालांकि अब बच्ची काफ़ी ठीक हो चुकी है। इसे देखते हुए डॉक्टर की टीम ने स्कूलों और कॉलेज में जाकर बच्चों को जागरूक कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि उनके केंद्र की सफलता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में ऐसे सेंटर शुरू करने का आदेश दिया है। फिलहाल उनके केंद्र पर प्रयागराज के साथ ही अन्य जिलों से भी मरीज पहुंच रहे हैं। हुए अभी एक हफ्ता हुआ है और इससे पहले मुझे फ़ोन एडिक्शन की प्रॉब्लम थी। जी काफ़ी रिलैक्स हुआ है और मैं थोड़ा फ्री हो रहा हूँ फ़ोन से और काफ़ी टाइम अपने फैमिली को दे पा रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स पे दे पा रहा हूँ। ये मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ये मेरे पापा का सजेशन था कि यहाँ चलो। ये उत्कृष्ट। अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने ये नशा मुक्ति केंद्र खोला है, मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र, जिसमें 15 दिन के अंतराल में अगर देखा जाए तो 30 से 35 लोग आ चुके हैं। इनमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा रही है। उन लोगों का कंप्लेन रहा है पबजी खेलना, इंटरनेट पे सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना, टिकटॉक पे वीडियो बनाना, पॉर्न साइट देखना और शॉपिंग कंपल्शन उन लोगों का ज़्यादा कंप्लेन रहा है, जिसमें कुछ बच्चे खुद आए हैं और कुछ उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती करके आए थे। और इनके ट्रीटमेंट का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले 15 दिनों में तो 60% लोग जो कंटिन्यूस रहे हैं थेरेपी सेशंस में, उन लोगों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट करा गया है। मतलब 12-12 घंटे से वो लोग 1 से 1.5 घंटे में भी आ गए हैं और कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से जो ऐप्स हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब ऐप्स को उन्होंने डिलीट भी कर दिया है। तो ये केंद्र खोलने का जो हमारा मकसद था, ये जो अभी यूपी का पहला मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र है जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हम अपने मकसद में फुलफिल होते दिख रहे हैं, हमारा मोटिव पूरा होता दिख रहा है। तो इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम आम लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर उनके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस मोबाइल के दुरुपयोग की परेशानी से पीड़ित है तो वो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। ये लक्षण की क्या पहचान है,
कैसे आदमी पहचाने कि हाँ ये रोग हो चुका है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोई भी इंसान अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो वो उसका यूज़ नहीं कर रहा है बल्कि मिसयूज़ कर रहा है, इस तरीके से कि वो सिर्फ बात करने के लिए नहीं ले रहा है, सिर्फ जानकारी लेने के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहा है, वो अपने टाइम को गलत तरीके से पास करने के लिए उसका उपयोग कर रहा है। मतलब 10-12 घंटे वो मोबाइल पे दे रहा है और उसको उसका बिल्कुल भी इनसाइट नहीं है या दुख या परेशानी नहीं है कि मैं इतना जो टाइम दे रहा हूँ ये मेरे टाइम का कहीं ना कहीं वेस्टेज है। दूसरा ये होता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए सिर्फ मोबाइल के यूज़ को ही अपना एक प्राथमिक कार्य मान के उसको चलेगा, वो पढ़ाई लिखाई को छोड़ देगा, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देगा और वास्तविकता से कटते हुए कहीं ना कहीं काल्पनिक दुनिया में ही अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देगा। मेरा नाम है डॉक्टर ईशान्या राज, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब